गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। सुबह करीब 10 बजे अचानक तबीयत खराब होने पर पालम विहार के कोलंबिया अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। राकेश दौलताबाद के दो बच्चे हैं। 2 साल पहले कोविड में उनके छोटे भाई की मौत हो गई थी। राकेश दौलताबाद के निधन की खबर से हर कोई दुखी है। अस्पताल में उनके समर्थक पहुंचे हैं। वो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड निगम के अध्यक्ष भी रह चुके थे। 2019 में राकेश दौलताबाद ने बादशाहपुर हलके से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। हरियाणा के 90 विधानसभा हलकों में ये विधानसभा क्षेत्र मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ा है। यहाँ 4.5 लाख के लगभग मतदाता हैं। राकेश ने 1,06,827 वोट हासिल करके भाजपा प्रत्याशी मनीष यादव को 10,186 मतों से पराजित किया था। भाजपा ने यहाँ से मौजूदा विधायक और मनोहर सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे राव नरबीर सिंह का टिकट काटकर मनीष यादव को दिया था। इससे पहले भी राकेश दौलताबाद ने 2014 का विधानसभा चुनाव इसी हलके से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था। उस समय उन्हें 68,540 वोट मिले थे। वहीं राव नरबीर सिंह ने 86,672 वोट लेकर राकेश को 18,132 मतों के अंतर से हराया था। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।